The most irritating questions in engineer's life are, बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली है, अब क्या करने वाले हो? पहला क्वेश्चन, जैसे ही आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे ये क्वेश्चन बार बार आपको सुनने को मिलेगा, और वो भी कहां से? फैमिली से नहीं, बाकी लोगों से सुनने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है आपसे बोलेंगे, बेटा आपकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, क्या कर रहे हो आप? कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देन एक साल कंप्लीट अगर हो गया तो आपसे पूछेंगे, बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एक साल और निकल गया, अब आप कुछ नहीं करोगे क्या? ऐसे ही बैठे रहोगे? इंजीनियरिंग किस लिए की? तो आप इन सारे क्वेश्चन से अगर जूझ रहे हैं या नहीं जूझना चाहते हैं तो मैं कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं, इनको देखिएगा, हो सकता है ये आपको काम आ जाए। देखिए, आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है या इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले हैं तो आपके पास ऑप्शंस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं समझिएगा। एक तो टेक्निकल फील्ड होता है आपका, टेक्निकल फील्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हो, ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम देके और इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब पे जा सकते हो। कुछ स्ट्रीम ऐसी भी होंगी जिनमें ये एग्जाम नहीं होता होगा तो उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, लेकिन जिन ब्रांचेस में, जिन स्ट्रीम्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है तो टेक्निकल फील्ड में एक ये फील्ड है जहां पे हम अपना करियर चुन सकते हैं, जहां पे हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, जो कि सबसे वास्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया है, दैट इज गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, आप हायर स्टडी में जा सकते हो, एमटेक कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आपका जो है, इसी के थ्रू आप पब्लिक सेक्टर्स में जा सकते हो, पीएसयूज में जा सकते हो। थर्ड, इसी के थ्रू आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब हैं जिनमें इसके थ्रू जा सकते हो, जैसे एमपी में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में जो लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो गेट के थ्रू अभी होने लगे हैं, और शायद एमपी भी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड में भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट गेट से होने लगी है, और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हैं जिनकी सहायता, जिनमें आप गेट के थ्रू जा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखोगे जैसे कि आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जिनमें आप गेट के थ्रू जा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में हमने एग्जाम्पल बताया आपको, एमपीईबी एटसेट्रा। पीएसयूज तो इतनी सारी हैं कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, जैसे एचपीसीएल, आईओसीएल, बीएचईएल, बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एटसेट्रा, बहुत सारी पीएसयूज है। इन सारी पीएसयू में इतनी सारी जगह आप गेट के थ्रू जा सकते हो, और अगर आपने एमटेक किया हुआ है और गेट क्रैक कर लिया तो इसकी सहायता से आप पीएचडी में भी इनरोल हो सकते हो, तो वो हायर स्टडी में आ जाएगा। ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ गेट के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे भी आपका काम नहीं हुआ तो आप देखोगे कि अलग से कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती हैं जिनके अलग से एग्जाम निकलते हैं, अलग से फॉर्म निकलते हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इनमें एडवांटेज ये होता है कि हायर एज लिमिट होती है, तो जिन लोगों की एज ज्यादा हो गई है वो स्टेट गवर्नमेंट में जाके जरूर देखें, क्योंकि हर स्टेट में, कितने सारे स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, हर स्टेट में आप देखोगे जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी उसकी जो एज लिमिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एज लिमिट से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो एक वो बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप उसी स्टेट के हो तो आप देखोगे कि हो सकता है कि स्टेट वालों को ज्यादा वो दिया जाए, वेटेज दिया जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में। तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए आप हर एक स्टेट की गवर्नमेंट की जो जॉब है उन पर फोकस कीजिए, चेक करते रहिए कि कौन कौन से स्टेट में वो जॉब क्रिएट हो रही हैं, निकलने वाली हैं, उन पे जरूर आप फोकस कीजिए स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। इस जैसे कि एमपी में हमने आपको एग्जांपल दिया था कि एमपीईबी है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें,
सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होते हैं इसके भी, जैसे कि आपने देखा होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका डायरेक्ट एग्जाम होता है खुद का। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का गेट के थ्रू भी होता है और अलग से भी होता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमने लिखा हुआ है, तो बार्क जो है वो गेट के थ्रू भी जा सकते हैं और इसमें रिटर्न एग्जाम भी होता है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। कुछ पीएसयूज भी होती हैं जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे पहले बीईएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके खुद के एग्जाम होते थे, अभी हो सकता है गेट के थ्रू भी होने लगा हो। तो ये कुछ पीएसयूज गेट, ये तो हमने दो एग्जाम्पल लिए, ऐसी बहुत सारी पीएसयूज हैं जो खुद के रिटर्न कंडक्ट कराती हैं, तो इनमें जा सकते हो। अब टेक्निकल फील्ड में आपको ध्यान क्या रखना है, ज्यादा फोकस वहां करना है जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे आप देखोगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में, ये पर्टिकुलर में अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात कर दूं, ऐसे हर ब्रांच में दो चार पीएसयू ऐसी होती हैं जो बल्क में वैकेंसीज निकालती हैं। चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड का हूं इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करके आपको बताता हूं। जैसे बीएल की मैं बात करूं तो इसमें अराउंड 200 वैकेंसीज एक साथ निकलती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 200 वैकेंसीज बहुत होती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करूं तो यहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में लगभग 400 से 500 वैकेंसीज एक साथ निकलती हैं। साथ ही साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, दैट इज प्रसार भारती, प्रसार भारती, और जिसमें लगभग 2013 में 1600 वैकेंसीज निकली थी, 1600 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, और उसमें शायद एक दो ब्रांच और इंक्लूड थी, शायद इलेक्ट्रिकल भी इंक्लूड थी और कंप्यूटर साइंस भी इंक्लूड थी। 1600 वैकेंसी, 1600 वैकेंसीज थी, किस चीज के लिए थी, ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर होता है वो ही वाली इंजीनियरिंग असिस्टेंट वहां पे नाम दिया गया है, स्केल में थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो इस टाइप की आपको क्या फोकस करना है कि वो आपको निकालना है कि कहां कहां नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। साथ ही साथ उसी टाइप से आप देखोगे कि बीएसएनएल में, बीएसएनएल में जो पहले टीटीए होता था, बीएसएनएल की अगर हम बात करें तो जो टीटीए होता था अब वो बन गया है जूनियर इंजीनियर, और उसकी पोस्ट भी निकलती है बल्क में, वो भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। हालांकि जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट अभी नहीं निकल रही है, लेकिन वो भी जब निकलती थी तो थाउजेंड्स में निकलती थी, 3000, 4000, 2500 ऐसे निकलती थी बीएसएनएल में जेटीओ की पोस्ट। तो ये पोस्ट जो है वो बल्क में होती हैं, और ये भी आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए रहती हैं, जिन ब्रांच में बहुत कम पोस्ट निकलती हैं उनमें भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले इन वैकेंसीज पे बहुत अच्छे से फोकस करें जो बल्क में निकलती हैं, उनमें आसानी से होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जो अलग ब्रांच वाले हैं, दूसरी ब्रांच वाले हैं, वो भी ऐसे पीएसयूज को रिकॉग्नाइज करें और उनको मार्क कर लें कि भैया इनमें कब वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि ये वैकेंसीज बहुत सारी निकलती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। तो ये तो हुआ आपका टेक्निकल फील्ड। टेक्निकल फील्ड में एक एक्स्ट्रा फील्ड आ जाता है कि आप टीचिंग में भी अलग से जा सकते हो। टीचिंग में मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर बन जाओ, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में टीचर बन जाओ, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में जो सैलरी है वो लगभग सेम ही रहती है, तो आप वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट पे जा सकते हो। एमपी में सिर्फ ऐसा है कि गेट के थ्रू वहां पे सिलेक्शन होता है, बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें एक आध पेपर होता होगा जीके का, बाकी पूरा का पूरा टेक्निकल होता है। तो ये भी एक प्रकार से टेक्निकल फील्ड भी है, तो एक अलग से आपको वो मिल जाएगा टीचिंग। इसमें वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके जा सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, किनके जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई भी पहुंच जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके लिए एक चांस है यहाँ पहुंचने का, क्योंकि उनकी एज बाकी में तो निकल गई लेकिन इसकी एज लिमिट बहुत ज्यादा रहती है, 40 से 45 साल रहती है टीचर में रिक्रूट होने की एज। तो जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वो होप ना हारें, वो इस फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग वाले फील्ड में। तो ये टेक्निकल फील्ड है इतना बड़ा, ये हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, अगर कुछ और बचा हुआ है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हुई जॉब की बात, इतनी जगह हम जॉब में जा सकते हैं। अब हम यहीं पे टेक्निकल फील्ड में ही हायर स्टडी की अगर बात करें तो हायर स्टडी में देखिएगा, हायर स्टडी में भी चांसेस आपको अच्छे रहते हैं। हायर स्टडी में आप गेट के थ्रू एक तो एमटेक में जा सकते हो, जिसमें आपको पता है लगभग अभी प्रेजेंट में 12400 पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है, 12400 पर मंथ।
साथ ही साथ आप इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब एमटेक प्लस पीएचडी, एमटेक प्लस पीएचडी भी कर सकते हो। इसका स्टाइपेंड एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, लेकिन 20 से तो ऊपर ही होगा, 20,000 से ऊपर होगा एमटेक प्लस पीएचडी। देखिए एमटेक रहेगी आपकी 2 साल की, केवल एमटेक 2 ईयर्स की रहती है, और एमटेक प्लस पीएचडी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी अराउंड पहुंचती है 4 ईयर्स एमटेक प्लस पीएचडी। और अगर अलग अलग करोगे आप पीएचडी अलग से अगर करने जाओगे, जिनका एमटेक हो चुका है और वो गेट देके गेट क्वालिफाइड किए तो वो पीएचडी में जा सकते हैं, या हर एक पर्टिकुलर कॉलेज का एग्जाम होता है पीएचडी के लिए वो क्रैक करके भी आप पीएचडी में जा सकते हो। तो वो पीएचडी अलग से करोगे तो लगभग 3 साल की होती है, फिर कंप्लीशन में आप जितने टाइम में थी से सबमिट कर दो वो अलग बात होती है। और इसमें भी आप देखोगे कि अराउंड 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ तो आपको मिलेंगे, 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ, तो इतना रुपए पर मंथ आपको इसमें स्टाइपेंड मिलता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको आपके लिए जॉब की ही तरह काम करेंगी, साथ ही साथ आपका एकेडमिक जो डेटा है वो भी एनहेंस होगा, उससे इम्प्रूव होगा, और उससे आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, अब वो बाकी पीएसयूज में जा ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी एज ज्यादा हो गई है, तो उनको सबसे बढ़िया है कि वो गेट क्रैक करके, वहां जरूरी नहीं है कि आपका गेट में बहुत अच्छे ही नंबर आए, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी कर लेते हो, 25 अगर कट ऑफ रहता है, 25 ही आपके मार्क्स आ गए तो भी आप किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो, आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही। अगर प्राइवेट कॉलेज से भी एमटेक कर रहे हो तो भी स्टाइपेंड मिलेगा, बस अंतर इतना होगा कि वहां फीस भी बहुत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो फीस कम होगी, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आपको जो भी कॉलेज मिल जाता है उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, तो एक रिलैक्स रहेंगे, आपकी कम से कम कुछ नहीं है, तो ये तो हमारे पास आ ही रहा है। तो ये फील्ड भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, इस फील्ड में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, साथ ही साथ टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो ये तो हुआ टेक्निकल फील्ड। अब टेक्निकल फील्ड में भी हो सकता है कोई चीज अनटच रह गई हो, तो आप लोगों को नॉलेज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी वो जानकारी मिले तो वो लोग भी फायदा उठा सकें। दूसरा यहाँ पे जो फील्ड है टेक्निकल के बाद, वो है नॉन टेक्निकल फील्ड। नॉन टेक्निकल फील्ड की अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल फील्ड में दो तीन तो बहुत बड़े फील्ड हैं। जैसे कि एक हम बात करते हैं बैंक की तैयारी करते हो, यहाँ बल्क में वैकेंसीज निकलती हैं नॉन टेक्निकल में। दूसरी हम लोग पीएससी की बात करते हैं, हर स्टेट में अपना खुद का नॉन टेक्निकल पीएससी होता है। वो जो पीएससी की बात की थी हमने, वो टेक्निकल पीएससी था जो टीचर्स को रिक्रूट करता है। ये पीएससी जो है वो जो स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं वो पीएससी है ये नॉन टेक्निकल पीएससी। इसमें भी बल्क में वैकेंसीज निकलती हैं। और आप सेंट्रल की अगर बात करें तो सेंट्रल में IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम होता है, इसमें भी जा सकते हो। ये तीन तो है ही, साथ ही साथ छोटी छोटी पोस्ट भी बहुत सारी निकलती रहती हैं। छोटी छोटी मतलब कोई भी पोस्ट वैसे छोटी तो होती नहीं है, हर काम बड़ा होता है। आप शिद्दत से करें तो कोई भी काम छोटा नहीं है, और हर काम करते हुए आप बहुत ऊपर तक बहुत सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी पटवारी वगैरह की वैकेंसीज निकली थी, ये भी बल्क में निकलती हैं। तो नॉन टेक्निकल फील्ड तो वास्ट है, बहुत बड़ा एरिया है। जो लोग सोचते हैं कि वो इंजीनियरिंग करके फंस गए, वो गलत सोचते हैं। क्यों फंस गए? आपके पास टेक्निकल फील्ड तो है ही, साथ में नॉन टेक्निकल में जाने से कौन रोक सकता है? आपको किसी ने रोका है क्या कि आप नॉन टेक्निकल में मत जाओ? हाँ, वो बात अलग है कि आपका नॉन टेक्निकल में अगर नॉलेज नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके पास रास्ते खुले हैं, आप मेहनत करोगे तो इस फील्ड में तो जा ही सकते हो। जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है उनके लिए नॉन टेक्निकल फील्ड है, और हम सोचते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो भैया जिन्होंने टेक्निकल से इंजीनियरिंग किया हुआ है क्या उनके पास ये फील्ड नहीं है? वो भी यहाँ जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 4 साल टेक्निकल पढ़े हुए हैं तो उतना ज्यादा इसमें माहिर नहीं होते हैं। तो फिर भी अगर आप मेहनत करोगे, आपका कुछ लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग किए हैं लेकिन फिर भी टेक्निकल में उतना रुझान नहीं है, उनपे नॉन टेक बहुत अच्छे से बनता है, तो वो थोड़ा सा मेहनत करें तो उनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज तो रहेंगी ही नॉन टेक्निकल फील्ड की। जो टेक्निकल फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज नॉन टेक्निकल फील्ड में। बी कंप्लीट करके एमबीए लाइन भी पकड़ सकते हैं, मैनेजमेंट लाइन, तो एमबीए में जाके भी वो बी के बाद एमबीए करके और मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेट वो भी एक टाइप का मैनेजमेंट फील्ड हो जाएगा, वहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो हायर स्टडी से वहां भी जाया जा सकता है। ये दो फील्ड तो हो गए जो बहुत ही बड़े एरिया है जिनमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ
अब एक और जो इम्पोर्टेंट फील्ड है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर हिडन टैलेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का, जैसे किसी की डांसिंग बहुत अच्छी है, किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है, किसी को कोई स्पोर्ट में बहुत ज्यादा रुचि है, तो मैं उनको कहूंगा कि अपना लक जो है वहां भी आजमाओ। लक का ये मतलब नहीं होता है कि विदाउट एफर्ट, लक का मतलब होता है, लक उनको काम आता है जो मेहनत करते हैं, लक बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है, अपना जो हिडन टैलेंट है जो आपको पता है, किसी एक हर व्यक्ति के अंदर एक चीज तो ऐसी कम से कम रहती है जिसमें वो बहुत बेहतर कर सकता है, वो बेहतर चीज आपने पहचान ली तो आपके पास एक वो भी फील्ड है जहां पे आप बिना आपकी ग्रेजुएशन, बिना आपकी पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट लगाए उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो और बहुत ज्यादा सक्सेस पा सकते हो। तो वो फील्ड अगर आपको मिलता है तो उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अब आगे क्या करूंगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। और ये भी मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे बता दिया है तो आपका काम कंप्लीट हो गया, आपको जॉब लग ही जाएगी। आपको मेहनत आपको करना पड़ेगा, बस ऑप्शंस आपके पास हैं, इन ऑप्शंस में से अपना ऑप्शन चुनिए और बहुत अच्छे से लग जाइए। आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें, वो भी जो परेशान हो रहे हैं उनको भी पता चले कि कैसे हम करियर को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।